हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। शुरू से एंड तक इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके थोड़े बहुत भी जागरूक हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो का टॉपिक आप देख चुके हैं, चाय पीने के नुकसान। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाय पीने से क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान आपके बच्चों को हो सकते हैं, और हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय के इतिहास के बारे में, क्योंकि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो चाय का कभी नहीं रहा है। हम लोग जो है काढ़ा पीते थे, हम लोग जो है नारियल पानी पीते थे। ये जो चाय का विकास हमारे देश में हुआ है, ये अंग्रेजों की बदौलत हुआ है। अंग्रेजों ने हमसे राज करा, क्योंकि वो जो है यूरोप से आए, वहाँ ठंडे देशों से आए, तो उनको वहाँ पे चाय की आवश्यकता पड़ती थी। जबकि हम जानते हैं कि जो चाय का आविष्कार है, चाय जो सबसे पहले कहीं पर उसका प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के आने के बाद हमारा यहाँ पर, क्योंकि वो ठंडे देशों से आए थे, तो इस वजह से उनको चाय की आवश्यकता पड़ी। लेकिन उनके साथ साथ हमारे देशवासियों को भी चाय की लत लग गई। अब चाय से नुकसान क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप चाय पीते हैं उसमें आपको दो केमिकल मिलते हैं, जिसको हम टैनिन बोलते हैं, और एक होता है कैफीन। कैफीन और टैनिन, ये दो केमिकल ऐसे होते हैं जो आपको चाय में देखने को मिलते हैं। कॉफी में कैफीन होता है, चाय में टैनिन होता है। ये दो केमिकल ऐसे होते हैं जिसमें आपके कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं। तो और दूसरी बात, आयुर्वेदा के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, 14 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे आयुर्वेदा के अनुसार एक युवावस्था मानी जाती है। और इस युवावस्था में पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम आयुर्वेदा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो 14 वर्ष से नीचे की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धावस्था होती है, 14 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे युवावस्था आती है। और आपने आयुर्वेदा में पढ़ा होगा वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और इसमें जो 14 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे की जो अवस्था होती है, इसमें पित्त दोष का प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी कि इस एज ग्रुप के लोगों में बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, एसिडिटी रहती है। तो जिन बॉडी में, जिन शरीरों में पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है, उस पे से अगर हम चाय को पीते हैं, तो उसमें ऐसे जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे पित्त को और वृद्धि कर देते हैं और उसको बढ़ा देते हैं। तो इसलिए चाय को हमें नहीं पीना चाहिए। और दूसरी बात, कई रोगों का कारण होती है चाय, और सुबह जो खाली पेट चाय को पीते हैं वो सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि पूरे दिन आपकी बॉडी में, आपके पेट में गैस बनी रहती है, और आपको जो है आने वाले समय में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, आपकी जो है आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे जो है करबद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि चाय को अवॉइड कीजिए। अब आप कहेंगे कि चाय तो हमारी जो है बिल्कुल हमारी ज़िंदगी है, चाय तो जीवन है। और एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया में जितना पानी पिया जाता है, पानी पीने के बाद अगर भारत की बात करें, तो पानी पीने के बाद चाय को दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पिया जाता है। अगर पेय पदार्थ की बात करें तो चाय पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान की भरपाई हम तब कर सकते हैं अगर हमारे शरीर में कोई समस्या है, तो चाय को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसका विकल्प क्या है, चाय की जगह हम क्या पी सकते हैं, बच्चों को क्या पिला सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जो है ग्रीन टी ले सकते हैं, इसके अलावा नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप जो है फ्रूट ले सकते हैं मॉर्निंग में, अगर आपको चाय की लत है। अगर